बच्चों अब हम सीखेंगे कि डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में से एक सिस्टम इंटरनेशनल है जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। और सिस्टम इंटरनेशनल में हम लोगों ने पढ़ा था कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज हैं, जिनमें बेस क्वांटिटीज हैं, जिसमें डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं और जिसमें ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज होती हैं। अब हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिस्टम इंटरनेशनल से पहले जो सिस्टम यूज़ हो रहे थे हम उन सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो सिस्टम इंटरनेशनल से पहले जो बच्चे सिस्टम यूज़ हो रहे थे उनके अंदर थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, यानी सिस्टम इंटरनेशनल में कितनी है, सेवन है। और जो उससे पहले सिस्टम यूज़ होते थे दे आर बेस्ड ऑन थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज़। वो थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं वो भी हम देखते हैं। तो मैंने लिखे सिस्टम यूनिट्स हम वो पढ़ेंगे बेस्ड ऑन थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज। और उनके अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी हैं, एक लेंथ होती थी, एक मास होती थी और एक टाइम थी। यानी लेंथ, मास, टाइम जिन सिस्टम के अंदर बिहेव है द फंडामेंटल क्वांटिटीज। आज हम उन सिस्टम को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो उसकी थ्री टाइप्स बनती हैं, हम बारी बारी इन टाइप्स के जो बेसिक एमसीक्यूज बन सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो वो जो थ्री सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे वो कौन कौन से थे, उनमें से एक एफ ई एस है, एक बच्चों सी जी एस है और एक जो है वो एम के एस सिस्टम है। ये थ्री डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं और इनके बारे में मैंने क्या स्पेशल बात बताई है, द बेस्ड ऑन थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज। और वो कौन कौन सी हैं, लेंथ, मास एंड टाइम। अब हम देखते हैं कि एफ पी एस सिस्टम क्या होता है। एफ पी एस सिस्टम में एफ स्टैंड फॉर फुट, जो कि यूनिट ऑफ लेंथ है, फुट इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ इन एफ पी एस सिस्टम। पी स्टैंड फॉर पाउंड, जिसको हम एल बी से डिनोट करते हैं। और एफ पी एस सिस्टम में यूनिट ऑफ मास जो थी वो पाउंड थी, एंड एस स्टैंड फॉर सेकेंड, जो कि यूनिट ऑफ टाइम है। अब हम इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स के कुछ बेसिक एमसीक्यूज देखते हैं जो कैलकुलेशन बेस्ड आप लोगों के आ सकते हैं। सबसे पहली बात तो बच्चों आपको ये याद होना चाहिए कि वन पाउंड कितने किलोग्राम की इक्वल होता है। तो वन पाउंड यानी एल बी पाउंड है, जो कि यूनिट ऑफ मास है, वो 0.4535 के जी की इक्वल होगा। एक नीचे स्लग आप लोगों ने मैंने लफ्ज़ लिखा हुआ है। स्लग इज आल्सो द यूनिट ऑफ मास इन एफ पी एस सिस्टम, यानी एफ पी एस सिस्टम में स्लग भी एज ए यूनिट ऑफ मास यूज होता है। और वन स्लग जो होता है वो 32.2 एल बी है, यानी 32.2 पाउंड की इक्वल होगा। और अगर इसको केजी में आपसे पूछता है तो 14.59 किलोग्राम की कुल होगा। ये जो ग्राउंड वाटर होता है ना, जिसकी स्टडी को हम हाइड्रोजियोलॉजी कहते हैं, इसमें इसकी जो बुक्स हैं उसमें वर्ड स्लग कॉमनली यूज़ होता है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि ये दोनों यूनिट्स मास एफ पी एस सिस्टम में यूज़ होती थी और उनके रिलेशनशिप विद केजी आप लोगों ने याद रखने हैं। कुछ और भी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स मैंने लिखे हैं आप लोगों के लिए, इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। वन फुट जो कि इस एफ पी एस सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ सी, वो अगर आपसे बच्चों मीटर के इक्वल पूछता है तो 0.305 मीटर होता है। अगर वो हम इसको सेंटीमीटर में पूछता है तो 38.48 सेंटीमीटर की इक्वल होगा। और अगर वन फुट में आपसे इंचेस पूछता है तो 12 इंचेस होंगे। तो तीनों आप लोगों ने कन्वर्जन एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है। फर्दर बच्चे एक वर्ड यार्ड यूज़ होता है, यार्ड भी आपको पता है यूनिट ऑफ लेंथ है। और वन यार्ड अगर पूछता है तो वो 3 फीट की इक्वल होगा। और अगर उसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.9144 मीटर की इक्वल होगा। अब वन इंच को सेंटीमीटर में भी आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में, तो वन इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। इस तरह एक वन ए नॉट लिखा हुआ है, ए नॉट मीन एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम इज़ आल्सो द यूनिट ऑफ लेंथ। ये सारी फुट के बाद जो लिखी हुई हैं, ये जो सारी हम पढ़ रहे हैं वो यूनिट ऑफ लेंथ ही चल रही हैं। वन एंगस्ट्रम 10^-10 मीटर की इक्वल होता है। एक और बहुत अनकॉमन यूनिट है ये एक्स रे यूनिट, यानी अगर आपसे पूछते हैं ना वन एक्स रे यूनिट किसकी किस चीज़ की यूनिट है, तो वन एक्स रे यूनिट जो है ये भी यूनिट ऑफ लेंथ है। और इसको हम एक्स यू की सिंबल से डिनोट करते हैं, यानी वन एक्स यू अगर आपसे पूछता है या वन एक्स रे यूनिट पूछता है तो दैट इज़ इक्वल टू होगा 10^-13 मीटर की इक्वल होगा ये। अब बच्चों हम देखते हैं वन लाइट ईयर, लाइट ईयर अगेन द यूनिट ऑफ लेंथ। वन लाइट ईयर तो बहुत फेमस यूनिट ऑफ लेंथ है। तो अगर आपसे पूछता है वन लाइट ईयर जिसकी सिंबल एल वाई होती है ये किसकी इक्वल होगा, तो 9.46×10^+15 मीटर की इक्वल होगा ये। तो अगर आपसे पूछता है कि वन लाइट ईयर किसकी इक्वल होता है, तो आप लोगों ने ये वाली चीज़ याद रखनी है,
ये क्योंकि मीटर में आ रहा है, इसका मतलब है लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ, ये लेंथ की यूनिट है। एक और बच्चे यूज़ होती है वन पारसिक। अब ये इसके एंड पे SEC आता है, तो बहुत सारे बच्चे इसको यूनिट ऑफ टाइम समझते हैं। पारसिक जिसकी सिंबल PC होती है, ये भी यूनिट ऑफ लेंथ है, यूनिट ऑफ टाइम नहीं है। इसमें कन्फ्यूज बच्चे इस सेकेंड की वजह से हो जाते हैं, इसको हम वन पारसिक पढ़ते हैं। और ये भी यूनिट ऑफ लेंथ है, यूनिट ऑफ टाइम बच्चों नहीं है। और वन पारसिक इक्वल टू होता है 3.08 × 16 मीटर के। अब हम इसको चाहें तो लाइट ईयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये 3.26 आपके किसके इक्वल बनेगा, लाइट ईयर के इक्वल होगा। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा इसको याद रखना है, ये कितने लाइट ईयर के इक्वल आप लोगों का आ रहा है। इसी तरह आपका नेक्स्ट जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। अगर हम इस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करें तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ आल्सो द यूनिट ऑफ लेंथ है, और 1 AU से इसको डिनोट करते हैं। AU मीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इसको अगर हम देखें तो ये इक्वल टू होता है 1.49 × 11 मीटर की इक्वल होगा। तो ये आपके एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की इक्वल होगा। तो ये हमें समझ आ गया है कि इस फुट से आनवर्ड इंक्लूडिंग फुट जितनी हम लोगों ने पढ़ी हैं, ये सब यूनिट ऑफ किसके इक्वल हैं, लेंथ की यूनिट्स हैं। इसी तरह बच्चों अब हम इस चीज़ को देखते हैं, इसके कुछ MCQs कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूनिट ऑफ टाइम। कुछ ऑप्शन लिखे हुए हैं इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, सॉरी। तो पूछ रहे हैं इनमें से आप ने वो ऑप्शन चूज़ करना है कि जो कि यूनिट ऑफ टाइम नहीं है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द यूनिट ऑफ टाइम हम देखेंगे। अब बच्चों इसमें देखें, एक लीप ईयर लिखा हुआ है। लीप ईयर ऐसा ईयर को, ऐसे ईयर को हम कहते हैं जो 4 ईयर्स के बाद रिपीट होता है, और इस लीप ईयर में टोटल 366 डेज होते हैं। और इस ईयर की जो पहचान ये है कि इसमें फरवरी जो होता है वो 29 डेज़ का होता है, और ये वाला ईयर 4 ईयर्स के बाद रिपीट होता है। तो इसको मैंने कि लीप ईयर फिर किसकी यूनिट हुई, ये टाइम की यूनिट होगी। और एक ऐसा ईयर है जो कितने ईयर्स के बाद रिपीट होता है, 4 ईयर्स के बाद, और इसमें डेज़ अगर पूछता है तो 366 डेज़ होते हैं, और लीप ईयर में फरवरी 29 डेज़ का होता है। बाकी ईयर में आपको बताया फरवरी 28 डेज़ का होता है। तो ये यूनिट ऑफ टाइम है, हमारा क्वेश्चन नॉट द यूनिट ऑफ टाइम है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता यूनिट ऑफ टाइम है। लूनर मंथ, मंथ तो हमें वैसे ही पता है यूनिट ऑफ टाइम है। सोलर डे, डे भी यूनिट ऑफ टाइम है। इसमें लिखा है पैरेलिक्टिक सेकंड, तो पैरेलिक्टिक सेकंड जो है वो बेसिकली पारसिक का कंप्लीट नेम है, यानी जो पारसिक आप लोगों ने लिखा हुआ है उर्स पारसिक का कंप्लीट नेम जो होता है वो पैरेलिक्टिक सेकंड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलिक्टिक सेकंड या पास्कल जो है वो तो यूनिट ऑफ किसकी है, लेंथ की यूनिट है। तो इसका ऑप्शन आप लोगों के पास फिर कौन सा बनेगा, डेल्टा ऑप्शन होगा। पैरेलिक्टिक सेकंड या पारसिक जो है वो यूनिट ऑफ टाइम नहीं है, बल्कि वो यूनिट ऑफ लेंथ है। एक बहुत कॉमन एमसीक्यूज देखते हैं, लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ, तभी हम लोगों ने पढ़ा है कि लाइट ईयर के नाम में ईयर तो आता है लेकिन ये टाइम की यूनिट नहीं है। लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस की यूनिट है। और अब इसका ऑप्शन क्या बनेगा, स्पीड की यूनिट है, मास की, डिस्टेंस की या टाइम की, तो हम बोलेंगे कि लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस की यूनिट है। अब अच्छा हम देखते हैं CGS सिस्टम क्या होता है। वैसे ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज में क्वेश्चन FPS सिस्टम के कम आते हैं, क्वेश्चन CGS सिस्टम के ज़्यादा आते हैं। और CGS सिस्टम को सिस्टम इंटरनेशनल में कन्वर्ट करने के क्वेश्चन आते हैं, और सिस्टम इंटरनेशनल को CGS में कन्वर्ट करने के क्वेश्चन आते हैं, तो उनकी थोड़ी हम प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। CGS सिस्टम में, CGS में C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड फॉर ग्राम, S स्टैंड फॉर सेकंड। तो मैं कह सकता हूँ कि CGS सिस्टम में लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर है, मास की यूनिट यहाँ पर ग्राम है, और टाइम की यूनिट सेकंड है। वो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि CGS सिस्टम में भी 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। अब अगर हम इसकी कन्वर्जन थोड़ी सी देखें तो 1 सेंटीमीटर 10^-2 मीटर होता है, और अगर हम यहाँ से 1 मीटर निकाल लें तो 10^2 सेंटीमीटर बनेगा। इस तरह 1 ग्राम 10^-3 kg होता है, और 1 kg 10^+3 ग्राम की इक्वल होगा। यूनिट ऑफ फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। CGS सिस्टम में अगर आपसे यूनिट ऑफ फोर्स की बात करता है तो वो डाइन होती है। 1 डाइन 10^-5 न्यूटन की इक्वल होता है, और 1 न्यूटन की फॉर्म में लिखें तो 10^+5 डाइन की इक्वल होगा। इस तरह बच्चों CGS सिस्टम में यूनिट ऑफ एनर्जी अर्ज होती है, ERG अर्ज, और 1 अर्ज 10^-7 जौल होता है। और अगर 1 जौल की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास 10^+7 अर्ज की इक्वल हो जाएगा। तो ये बस आप लोगों ने चीज़ याद रखनी है कि 1 जौल जो बनता है
वो 10 डेज की ओर प्लस 7 अर्ज की इक्वल होगा। अब हम इसके कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो बच्चों मोस्ट कॉमन एमसीक्यूज आते हैं वो कुछ इस तरह के आते हैं, हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में गिवन होती है। जिस तरह हमें पता है कि एक्सेलरेशन की यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है। अब एमसीक्यूज इसका इस तरह का आता है कि एक्सप्रेस इन CGS, यानी एक्सेलरेशन की यूनिट को CGS में एक्सप्रेस करें एंड फाइंड द मल्टीपल फैक्टर, और आप मल्टीपल फैक्टर फाइंड आउट करें, यानी जब आप मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर को CGS सिस्टम की यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो उसके साथ जो मल्टीपल फैक्टर आएगा वो आप लोगों ने बताना है। तो बहुत आसान है, ऑप्शन उसने लिखे हुए, मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो सेकेंड को कन्वर्ट करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों सिस्टम में CGS में भी और SI सिस्टम में टाइम की यूनिट सेम है। 1 मीटर को जब आप लोगों ने CGS में लेकर जाना है तभी हम लोगों ने देखा है कि 1 मीटर 10^2 सेंटीमीटर की इक्वल होगा, तो 10^2 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा। अब देखें एक्सेलरेशन की CGS सिस्टम में यूनिट जो बनेगी वो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेयर है, तो आपसे ये वाला मल्टीपल फैक्टर वो डिमांड कर रहा था, तो एक्सेलरेशन का मल्टीपल फैक्टर 10^2 है। ये तो बहुत सिंपल सी बात से एक थोड़ा सा डिफरेंट एमसीक्यू देख सें। कैपिटल जी, जिसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, उसकी वैल्यू 6.67 × −11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर kg स्क्वेयर है सिस्टम इंटरनेशनल में। सेम एमसीक्यू बच्चे इसके लिए भी आ सकता है कि इसकी यूनिट्स को SI से CGS में कन्वर्ट करें और मल्टीपल फैक्टर आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। डिफरेंट ऑप्शन मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं। इसमें अक्सर बच्चे गलती ये करते हैं, जब वो मल्टीपल फैक्टर फाइंड आउट करने लगते हैं तो इसको भी साथ में सॉल्व कर देते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है, इसको हम साथ में सॉल्व नहीं करेंगे, हमने मल्टीपल फैक्टर यूनिट्स का बताना है कि जब इस कैपिटल जी की यूनिट्स को SI से CGS में लेकर जाएंगे तो यूनिट के साथ मल्टीपल फैक्टर कौन सा आएगा, इस कांस्टेंट की वैल्यू को हम लोगों ने अब इन्वॉल्व नहीं करना। अब इसकी यूनिट देखें, न्यूटन मीटर स्क्वेयर kg स्क्वेयर, 1 न्यूटन अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 10^5 डाइन की इक्वल होता है, 1 मीटर जो होता है वो 10^2 सेंटीमीटर होता है, इसके ऊपर ये स्केयर आ जाएगा, 1 kg स्केयर लिखा हुआ है, तो 1 किलोग्राम 10^3 ग्राम की इक्वल होगा और इसके ऊपर भी इसका स्केयर आ जाएगा। अब हम इनके स्केयर ओपन कर लेंगे, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे 4, साथ में सेंटीमीटर स्केयर आ जाएगा, इसको 3 को 2 से करेंगे 6, साथ में ग्राम का स्केयर आ जाएगा। अब देखें डाइन, सेंटीमीटर स्केयर और ग्राम स्केयर ये सब CGS में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब बच्चे आप इनको कंबाइन करते हैं, इसको इसके साथ कंबाइन करें, 5 + 4, नीचे 6 + हो रहा है, ऊपर जाकर 6 - हो जाएगा, तो 5 + 4 9, 9 में से 6 - करेंगे 3। तो ये बच्चे जो यूनिट्स लिखी हुई हैं ये आपके पास इस कैपिटल जी की यूनिट्स हैं CGS सिस्टम में। हमारा क्वेश्चन क्या था कि इन यूनिट्स को SI से CGS में कन्वर्ट करें और इसका मल्टीपल फैक्टर फाइनल करें। तो देखिए इसका मल्टीपल फैक्टर जो आ रहा है वो 10^3 होगा, तो इसका ऑप्शन हमारे पास बीटा बनेगा। जो थर्ड हमारे पास सिस्टम है विच इज़ कॉल्ड MKS, MKS में लेंथ की यूनिट मीटर है, मास की यूनिट kg है और टाइम की यूनिट सेकंड है। ये सिस्टम सिस्टम इंटरनेशनल से डिफरेंट किस सेंस में कर रहा है, तो बच्चे सिस्टम इंटरनेशनल में और MKS सिस्टम में फ़र्क ये है कि सिस्टम इंटरनेशनल में 7 फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज हैं, लेकिन MKS सिस्टम में 3 फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज हैं। लेटर ऑन यही MKS सिस्टम को उन्होंने सिस्टम इंटरनेशनल में कन्वर्ट किया था, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। इसमें 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और उसमें कितनी है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। कुछ अनकॉमन यूनिट्स की मैं बात करता हूँ जो कभी कभार आपसे यूनिवर्सिटी में पूछी जा सकती हैं, इनको बच्चों आप लोगों ने याद रख लेना है क्योंकि ये यूनिट्स कुछ हमारी बुक्स में यूज़ नहीं हुई। इनमें से एक पूछ सकता है ऑस्टेड किस चीज़ की यूनिट है, तो याद रखना है ऑस्टेड इज़ अ यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो अगर पूछता है ऑस्टेड किसकी यूनिट है, तो ऑस्टेड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की यूनिट है। इसी तरह लक्स के बारे में पूछ सकता है कि लक्स किस चीज़ की यूनिट है, तो लक्स इज़ अ यूनिट ऑफ, बल्कि इसमें मुझे एल को स्मॉल लिखना चाहिए, तो लक्स इज़ द यूनिट ऑफ डेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, तो लक्स यूनिट है डेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन की। इसी तरह बच्चे अगर आपसे पूछता है डिबाई किस चीज़ की यूनिट है, तो डिबाई इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो डिबाई जो यूनिट है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट है। आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।